सूरदास जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुणकता, पिता रामदास सारस्वत, भाषा ब्रिज, शैली मुक्तक शैली के गेय पद। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। मृत्यु सन 1583 ईस्वी। जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुणकता नामक क्षेत्र में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था, जो कि एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी बचपन से ही आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। वहीं उनकी भेंट पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य से हुई और सूरदास जी उनके शिष्य बन गए। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। माना जाता है कि सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। रचनाएं। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से श्री कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव तथा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाओं में से तीन प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सूरसागर। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। यह एक महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में सूरदास ने कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर उनके द्वारकावास तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इसी रचना ने सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज बना दिया। माना जाता है कि उनकी इस कृति में लगभग 100,000 गीत हैं, लेकिन आज केवल 8,000 ही बचे हैं। सूरसारावली। यह एक पदावली है जिसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी। सूरदास की एक गद्य रचना है। इसमें सूरदास ने अपने जीवन और अनुभवों का वर्णन किया है। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।